फ्रेंड ये क्या है कि अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल है 3718 BS4 है, इंजन ऑयल चेंज कर रहे हैं। फ्रेंड्स ये अशोक लेलैंड का ट्रक है, 14 मील का देखो आप, 14 मील का। ये इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल अभी चेंज कर रहे हैं इसका। ये अप टू 80,000 किलोमीटर है, देखो अप टू 80,000 किलोमीटर देख रहे ना, 80,000 किलोमीटर। गल्फ में सुप्रीम ड्यूटी 15 वाट्स 240 है। ये फिल्टर है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इंजन ऑयल चेंज कर रहे हम, ठीक है। इंजन ऑयल का बोल्ट मैं आपको दिखाता हूँ, इंजन ऑयल का बोल्ट भी दिखाता हूँ। इंजन ऑयल बोल्ट नीचे से आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, फ्रेंड्स इंजन ऑयल का नीचे ये बोल्ट रहता है। ये बोल्ट ओपन करने के बाद पूरा इंजन ऑयल पूरा नीचे गिरता है, देखो। देखो फ्रेंड्स इंजन ऑयल का कैसा है, देखो फ्रेंड कितना ब्लैक हो गया है, बहुत ब्लैक हो गया है। शायद इससे पहले जो भी इंस्टॉल करे मतलब इसमें इंजन ऑयल डाले वो सही तरीके से नहीं होए, शायद पूरा लो क्वालिटी का डाला लगता है शायद, इसलिए बहुत ब्लैक हो गया। नंबर तो 27 नंबर ऐसा कुछ आता है, ऐसा ही देखो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ एक थे फिल्टर, ये फिल्टर आता है ऑयल फिल्टर। ये ऑयल फिल्टर को निकालने के बाद नया 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 ऑयल फिल्टर इंस्टॉल करने का रहता है। फिल्टर यहाँ रहता है, इंजन ऑयल का बोल्ट वहाँ रहता है। अभी आपको दिखाया ऐड में, देखो बहुत हार्ड है, नहीं निकल रहा है। इससे जरा होल मार दो, होल गया तो वो निकल सकता है ऐसा, इसलिए। क्या है कि ये हाथ से निकलता नहीं निकल रहा, इसे एक बार होल करके घुमाए तो निकलता बोल के ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। फ्रेंड्स ये फिल्टर का जो नंबर है देखो F7A0150 बोल के रहता। ये क्या है कि अशोक लेलैंड में 3718 का 14 व्हील का है, वही रहता, वही रहना चाहिए, ठीक है। ये फिल्टर सेक्शन का ऐसा रहता, देखो ये फिल्टर सेक्शन का। ये देखो फ्रेंड्स ये 80,000 किलोमीटर अप टू चला सकते हैं, सब लोग यही प्रेफर करते हैं क्योंकि ये स्पेशली कमर्शियल व्हीकल के लिए बनाया है, ठीक है। ये फिल्टर है, कंपनी का फिल्टर परचेस करो, कंपनी का फिल्टर परचेस करके इंस्टॉल करो, ठीक है। देखो फ्रेंड्स यहाँ 1,61,699 है, ये निकाल दिए। अभी देखो इंजन ऑयल चेंज कर रहे हैं, पूरा निकालना पड़ता है। ये कवर है, गियर नॉब का कवर है। रहता है इंजन जरा होशियार से करना चाहिए, जरा भी गड़बड़ नहीं करना चाहिए। इंजन ऑयल डालने के लिए यहाँ से फ्रेंड्स, यहाँ से अब इंजन ऑयल डालना चाहिए। ऊपर का भी ढक्कन भी निकाल दिए और नीचे पर पूरा निकालने के बाद नीचे टाइट करने के बाद ऊपर से फिल करना है, फिल्टर भी इंस्टॉल करना है, ठीक है। फ्रेंड्स ये फिल्टर है, निकालो, ऐसा रहता है फ्रेंड्स फिल्टर। ये फिल्टर जो जो गाड़ी को आता है उसी गाड़ी को आता है, 3718 BS4 का है। नंबर दिखाओ एक बार, इसका नंबर नंबर देखो, ये लेकार्ड बोल के है, लेकार्ड F7A0150 यही रहता है।
यही इंस्टा नया, अभी हम इंस्टा कर रहे हैं, देखेंगे ऊपर बीडिंग है, देखो रबर बीडिंग है, ऐसे रहता है। ठीक है अभी फिट करते हैं हम वो। ये फिल्टर इंस्टा करने से पहले अच्छे से क्लीन कर लो, अच्छा क्लीन करने के बाद इंस्टा कर दो, अच्छा दिखता है, ऐसा देखो अच्छे से क्लीन कर लो पूरा क्लीन करके। देखो फ्रेंड्स एक्चुअली उसमें ऑयल थोड़ा डालना था, लेकिन ऑयल डालने का ज़रूरत भी नहीं है, ऑटोमेटिक वो ऑयल आ जाता है। अच्छा सर टाइट करो, क्या कि फ्रेंड्स ये लो क्वालिटी का ऑयल डालने से ऐसा हो गया, पूरा ब्लैक हो गया, इसलिए अच्छा कंपनी का डालना है। कंपनी का डालेगा तो आपको सर्विस अच्छा देगा, इतना ब्लैक हो गया देखो, शायद 10-15 हज़ार किलोमीटर फिर घुमाने का वो इंजन रहता ना, वो शायद वो डाला होगा, गल्फ का नहीं डाला होगा इसलिए ऐसा हो गया। सिर्फ 20,000 किलोमीटर घुमा, 20,000 किलोमीटर घूमते ही ऐसा इतना ब्लैक हो गया, देखो फ्रेंड्स, इसलिए गल्फ अच्छा बेटर है, अच्छा है। अभी देखेंगे फ्रेंड्स, अभी समझाता हो सब लोग देखेंगे। ओके अभी इसको क्या करना चाहिए, अभी इसमें इसको ये लगा के बोल्ट लगा के फिट करना क्या? हाँ सही। ओके अभी अभी करो जी, अभी करो। देखो क्या है कि अभी पेस्ट लगाया, देखो यार पेस्ट का मैं दिखाता हूँ आपको, ये पेस्ट है, ये पेस्ट क्या है कि इसको बोल्ट को लगा के फिट कर रहे हैं ना, क्योंकि अभी ऑयल लीकेज नहीं होना बोल के ये पेस्ट लगा के कर रहे हैं। देखो अच्छे से एक बार क्लीन कर लो, क्लीन करने के बाद इंस्टॉल करो। कौन सा पाना है जी आप टाइट कर रहे, कौन सा पाना, नंबर क्या है? 27 नंबर पाना, रिंग पाना है फ्रेंड्स उसको, 27 नंबर आता है। अच्छा सा टाइट करो, झटका मत दो, सिर्फ टाइट करो। क्या है कि बोल्ट फिक्स करने के बाद भी, बोल्ट इंस्टॉल करने के बाद भी आप पेस्ट लगा रहे, ये साइडों में अगर ऐसा साइडों में राउंड राउंड घुमा के लगा रहे सेफ्टी के लिए। देखो फ्रेंड्स ये ओपन करने का तरीका, ऊपर दिखाता हूँ आपको, देखो 18 लीटर्स आता है, अशोक लेलैंड 3718 BS4 का है, कूपन है। एक कौन सा कूपन निकला अभी भाई मैं, ठीक है इसका देखो, एक देखो फ्रेंड्स इसमें ऑयल, देखो फ्रेंड्स टीपी डाला, टीपी डाल के बाद ऑयल डालना ज़रूरी है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ गल्फ का, ये ढक्कन है, ढक्कन ओपन करा 80,000 डालने से पहले अच्छा आराम से डालो, कोई टेंशन नहीं है, दो हाल बताओ। इसका कलर देखो फ्रेंड्स, कलर कैसा है, क्या है कि फ्रेंड्स अभी ये डालने से दिक्कत हो रही है, तो एक होल करे तो अच्छा है, इसको एक होल करो, अपोजिट में होल करो, एयर जाएगा इजीली गिरेगा। अभी देखो इजीली गिर रहा है, देखो तुम कर दे,
करंट पड़ लाई हो गया फ्रेंड्स, पूरा हो गया, खत्म हो गया इसमें। अच्छा सर क्लीन करो, उसके बाद फिक्स करो। ये फ्रेंड्स वीडियो, फ्रेंड्स देखें ना आप, इंस्टा तो कर दिए पूरा, अभी इंजन है तो पूरा डाल दिए। BS4 है, अशोक लेलैंड 14 व्हील का ट्रक है ये, हमारा जान पहचान का आदमी है, इसलिए अभी वीडियो निकालने के लिए सोच रहा था, वीडियो निकाला, आपसे शेयर करना है इसलिए अभी वीडियो निकाल रहा हूँ। 3718 मॉडल नंबर है, BS4 है, अशोक लेलैंड का 14 व्हील है। ओके देखो फ्रेंड्स, बस इतना है फ्रेंड्स आपसे शेयर करने का। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।